हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज बात करेंगे इस मैग्नेट चार्जर के ऊपर, जो ई रिक्शा का ये मोटर है। और ये मेरे पास ई रिक्शे का ही नहीं, स्कूटी का भी मैग्नेट चार्ज हो रहा है। ई रिक्शा हो या स्कूटी का हो, ये मैग्नेट आप मेरे पास चार्ज करवा सकते हैं। देखिए, अभी मैं इसमें जो है इस मोटर को मैं मैग्नेट को चेक करा रहा हूँ, और इसमें बिल्कुल भी चुंबक नहीं है, मैग्नेट नहीं है। और इसको मैं चार्ज करके आपके सामने, ये बिस्किट को मैं चार्ज करके, मतलब कि मैं मशीन तो नहीं दिखा सकता, लेकिन तुरंत चार्ज करूँगा। और उसके बाद इसमें लगाकर चलाकर दिखाऊंगा कि इसका क्या, ये 100% मेरा जो मैग्नेट मैं जो चार्ज कर रहा हूँ वो सक्सेस है या नहीं है। और इसी वीडियो में मैं बताऊंगा इसकी मैग्नेट कैसे निकालना है। अभी तो मैं जुगाड़ बताऊंगा, लेकिन बाद में अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इसका प्रॉपर तरीका बता दूंगा। साथ ही के साथ अगर आप लोगों को इसको चार्जिंग कराना है, आप लोगों के पास मैग्नेट 100, 150, 200 पीस हैं, तो आप लोगों को पूरा स्टेटर भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बिस्किट भेजने की ज़रूरत है। और ये बिस्किट में मैं निशान लगा के खुद ही दूंगा कि आप लोगों को कैसे फिट करना है। निशान लगा के मैं यहाँ से दूंगा, आप लोगों को बस जैसे भी निकाल के इसको भेज देना है। और भेजने का तरीका, ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगा टोटली A to Z। तो आपको अगर चार्ज कराना है तो मेरे स्क्रीन पे चले हुए नंबर को पे कॉल करें और मेरे पास मैग्नेट चार्ज कराएं, या स्कूटी का हो या ई रिक्शे का हो, कितने भी वाट का मोटर मैग्नेट हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम, बिल्कुल सेम फ्रिक्वेंसी मेरा जो मैं चार्ज करके देता हूँ, जो आपका ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी होगा, यही सेम मैं आप लोगों को भी फ्रिक्वेंसी से चार्ज करके दूंगा इसको। तो इसका सबसे पहले देखिए, इसमें मैग्नेट नहीं है, देखिए देखिए ये चिपक रहा है, देखिए बिल्कुल भी इसमें मैग्नेट नहीं है, देखिए कोई भी मैग्नेट इसमें नहीं है, बिल्कुल नील है ये, ठीक है। अब इसको बात करते हैं निकालने का तरीका, फिर बात करेंगे मैग्नेट चार्ज करने का तरीका, ठीक है। तो इसको निकाल के, पहले निकालने के लिए देखिए, नॉर्मली अगर लगा हुआ है तो आप लोग थोड़ा थोड़ा इसको दबा के देखिए, ऐसे ये टाइट है तो हल्का हल्का इसको ठोक के निकाल लीजिए। ठोकने का लिए बेस्ट तरीका क्या है, अगर कोशिश कीजिए लोहे का ना हो, ये स्टील की रॉड हो, तो स्टील में चुंबक हमारा पकड़ेगा नहीं और मैग्नेट हमारा खराब नहीं होगा, ठीक है। और जैसे कि अगर आप लोगों को निकालना है तो कोशिश कीजिए कि इसको बाहर निकाल लें, इस सापड़ से बाहर निकाल के फिर इसको निकालेंगे तो अच्छे तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को यह पता है कि सापट अगर आपका सही है, यहाँ से जो ये बैरिंग सीट है यहाँ से अगर सही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सापट आपकी खराब है तो सापट भी चेंज करना होगा। तो कोशिश कीजिए पूरा निकाल के निकाल लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और निकालने का इसका तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले इसके नीचे लकड़ी का गुटका फिर आप लोग रख लीजिए, कुछ भी रखना हो, जैसे कि जो भी आप लोगों को नीचे रखना है रख लीजिए। और इसको पकड़ के मैं निकाल के बताता हूँ, पकड़ो उधर से, इसको ऐसे पकड़ के और इसके मैग्नेट के ऊपर रख के ये रॉड से। और ध्यान रखिएगा लकड़ी का हो थोड़ी हो या तो फिर प्लास्टिक का, क्योंकि अगर लोहे का होगा तो क्या होगा कि उसमें आप लोगों का बात बनेगी नहीं। तो अगर ऐसे नहीं निकलता, देखिए ऐसे टाइटली निकल रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको निकाल के मशीन से निकाल के फिर उसके बाद निकालने का तरीका बताता हूँ। जाओ इसको निकाल के ला फिर, ठीक है। मैं फ्रेंड्स इसको निकाल के फिर आपको आगे का वीडियो बताता हूँ। और इसका देख लीजिए कि अभी तक आप लोगों का कोई भी मैग्नेट चार्ज नहीं हो पा रहा था, तो जितने भी आपके पास प्रकार के मैग्नेट है आप मेरे पास भेजिए, मैं चार्ज करके दूंगा। और कुछ समय बाद बहुत ही जल्दी इसका मशीन भी मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो किसी को चाहिए हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैग्नेट चार्ज अगर आपको कराना है तो मेरे पास भेजिए, मैं सभी मैग्नेटें चार्ज करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको ऐसे रख लीजिए किसी बेंच वगैरह के ऊपर लकड़ी का हो, और फिर आराम से इसके ऊपर रख के और थोक के निकाल लीजिए। देखिए ये देखिए कितनी आराम से ये निकलने लग गया है। और थोड़ा सा नीचे कुछ झोला वगैरह रख लीजिए, चाहे कपड़ा वगैरह रख लीजिए, ताकि मैग्नेट गिर के टूटे ना हमारा। तो इसको बहुत आसानी से मैं निकाल लेता हूँ और देखिए, ये देखिए हमारा ये बिस्किट निकल गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी मैं निकाल लेता हूँ, ऐसे ही सबको निकाल के लाइव में दिखाता हूँ।
ठीक है। और इसमें प्लास्टिक की हथौड़ी से निकालेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि लोहे की हथौड़ी से हथौड़ी जब मारेंगे तो वो चिपकना शुरू हो जाता है। या फिर लकड़ी से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ऐसे करके लकड़ी से भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, इसमें कोई आप लोगों को उल्टा सीधा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस निकाले रहिए वो। जब यहां से मैं चार्ज करके दूंगा तब आप लोगों को ध्यान से लगाना है, बाकी ऐसे आप लोगों को निकाल के बस भेज देना है एक बार। ठीक है, ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी चुम्बक नहीं है, देखिए है ही नहीं, कतई बिल्कुल। देखिए ये नीचे रख के मैं दिखा रहा हूँ, देखिए बिल्कुल नील पड़ा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, खाली है। ये 8 मैग्नेट होते हैं, सबको निकाल लेना है। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन आपके काम की वीडियो है, पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए आराम से ठोक ठोक के सबको निकाल लेना है। देखिए ये आठों के आठों मैंने बिस्किट इसके निकाल लिए हैं टोटली। और इसमें क्या करना है आपको, आपको जब ये निकालना है तो आप लोगों को कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि इसमें मतलब कि कोई एन और पी का ध्यान नहीं देना है। लेकिन जब मैं यहाँ से चार्ज करके भेजूंगा इसको तो आप लोगों को, देखिए अब एक खाली इस प्रकार का आपके पास लोहा भी बचेगा। अब इसका क्या है, इसको निकाल के भेजेंगे, ये मैग्नेट निकाल के भेजेंगे तो कोरियर चार्ज कम लगेगा, लेकिन अगर इसको भेजेंगे तो कोरियर चार्ज बहुत ज़्यादा लगेगा। और एक दूसरे को देखिए ऐसे टच करके, देखिए ऐसे एक दूसरे के ऊपर लगा के, आठों का आठों ऐसे लगा के, देखिए ऐसे लगा के, ऐसे इसको लगा के, और देखिए ऐसे आठों के आठों ऐसे लगा दीजिए आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगा के, और अच्छी तरीके से इसको कपड़े में या जो फोम वाला गत्ता है उसके अंदर लगा के और टेप मार के फिर कोरियर करिएगा इसको। मतलब कि ये टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल हिफाजत से सेफ्टी से करके भेजना है आपको। और मैं इसको चार्ज करके कैसे भेजूंगा, देखिए यहाँ पे मैं इसको अच्छे से ऊपर से साफ करूंगा, इसके ऊपर एक पे लिखूंगा एन और एक पे लिखूंगा पी। तो आप लोगों को एन और पी करके लगाना है, मतलब एक एन लगाना है एक पी लगाना है। ठीक है, तो मैं इसको साफ करके दिखा रहा हूँ, और इतना लंबा वीडियो इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। देखिए इसको मैंने साफ कर लिया, सबको साफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको लाइव मैं करूंगा, चाहे आधे घंटे का वीडियो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लाइव मैं बनाऊंगा इसको। देखिए टोटली फिट करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, पहला वीडियो होगा जो इतना डिटेल में मैं एक एक चीज आप लोगों को समझा रहा हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ई रिक्शे का कोर्स करना है तो मेरे पास आके आप लोग कर सकते हैं ई रिक्शे का कोर्स, मोटर रिवाइंडिंग, एक्जूम चार्जर, यूटीएल चार्जर सब टोटली कंप्लीट कराया जाता है, आईएसओ सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो कोर्स का फीस होता है, रहना खाना कंप्लीट 20,000 रुपये है। देखिए ये मैंने साफ कर दिया है, तो एक पे लिखूंगा मैं एन, दूसरा वाला मार कर दो, देखिए इस पे एक पे लिखूंगा एन, एन लिख दिया, और एक पे लिखूंगा पी। ठीक है, तो इसमें चार एन के मिलेंगे और चार पी के मिलेंगे। ठीक है, देखिए एक हो गया एन और एक हो गया पी, दोबारा फिर एक हो गया एन और एक हो गया फिर पी, मतलब आपको एन पी करके लगाना। देखिए ये पी हो गया, ठीक है, इसके बाद आपको फिर लगाना है एन और फिर पी। देखिए तो इसको मैं फटाफट चार्ज कर लेता हूँ, फिर एन और फिर पी, बस आप लोगों को ये एन पी ध्यान देख के लगाना है और कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए चार हमारे पास एन है और चार हमारे पास पी है, देखिए पी है, ये मार्कर मिटेगा नहीं, इतनी पक्का मार्कर है, ये मिटेगा नहीं, आपके कोरियर तक घर पे फिट कर देंगे तो भी नहीं मिटेगा। देखिए चार पी और चार एन है, देखिए देखिए इसमें दिखा देता हूँ, मैग्नेट बिल्कुल भी नहीं है, ये देखिए इसमें है थोड़ा सा,
देखिए इसमें देखिए बिल्कुल भी नहीं, देखिए थोड़ा बहुत तो रहता ही रहता है इसमें, जब ये बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अब इसको मैं चार्ज करके लाता हूँ और फिर इसमें फिट करने का तरीका बताता हूँ आप लोगों को कैसे फिट करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको क्या किया, चार्ज मैग्नेट को कर लिया है और एन वाले को मैंने अलग रखा है और पी वाले को अलग रखा है, इससे कोई फर्क नहीं है, मैंने निशान लगा के रखा हुआ है। देखिए अब ये देखिए ये एक दूसरे से मतलब छूटने को तैयार नहीं है, देखिए ये इतना टाइटली हो गया है कि ये छूट नहीं रहा। देखिए मैं एक छुड़ाया हूँ और ध्यान से निकालिएगा क्योंकि टूटने का भी डर रहता है। और यहाँ पे देखिए अब इस लोहे को दिखा रहा हूँ मैं, देखिए ये देखिए ये देखिए इसमें पूरा मैग्नेट फुल हो चुका है। देखिए मतलब इतना तगड़ा मैग्नेट, इसमें जो फ्रिक्वेंसी वही डाली जाती है जो इसमें जरूरत होती है, जो पुरानी कंपनी देती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्रिक्वेंसी आप डाल देंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें अच्छी तरीके से बस इसमें बैठाना होता है और कुछ नहीं है। देखिए एक हमने एन लगाना है, देखिए ऊपर से रख के बस ऊपर से आपको बैठा देना, सभी इसमें एक ही साइज के मैग्नेट होते हैं, ठीक है। देखिए ये लग गया, देखिए ऐसे ठोक के बैठा देना है। देखिए एक एन लगेगा एक पी लगेगा, तो एक पी उठा लेता हूं मैं ऐसे करके इसमें से, ये हट नहीं रहे, एक दूसरे से हट नहीं रहे हैं, मतलब कि इतना मैग्नेट पावरफुल होता है ये। देखिए एक एन एक पी, इसमें किसी भी साइड से पैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ध्यान रहे कि ऐसा ना गलती आप लोग करें, इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं है, एन और पी ही लगाना है बस आप लोगों को, क्योंकि जो भी सब कुछ देखना है वो हम लोग हमने खुद ही इसमें देख के करना कर दिया है, ठीक है। जो भी करना है देखिए ये पी हो गया, देखिए एक एन और एक पी, फिर से एक एन लगा लीजिए, देखिए ये हो गया ए एन, फिर से एन लगा लेंगे, ठीक है, फिर से इसको ठोक के बैठा लेंगे। देखिए ये भी हो गया, फिर एक पी, देखिए एक एन और एक पी करके आपको लोगों को लगाना है इसमें, देखिए जितने भी हैं आपके पास मेरे पास भेज दीजिए, मैं इसका बेस्ट से बेस्ट रेट आपका अच्छा से अच्छे रेट में आप लोगों को चार्ज करके दूंगा। कोई कंप्लेंट नहीं है, 0% कंप्लेंट नहीं है, समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का मैग्नेट चार्ज कहीं और से करवाएं तो भाई अलग चले या ना चले उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे पास चार्ज कराएंगे 100% चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मैंने मशीन जो है वो हमारी उसी फ्रिक्वेंसी से सेट करके लिया हुआ है और 100% वर्क करेगा। देखिए एक एन और एक पी, देखिए फिर एक पी, ये देखिए इतना ये दो है, छूटने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, वाकई नहीं छूट रहा है, जबकि ये अभी मैंने बिल्कुल पानी रखा था, ये बिल्कुल था ही नहीं इसमें कुछ। एन और एक पी, देखिए बस इसको चार्ज करा के जब आप लोग ले जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैग्नेट को मट्टी में नहीं रखना होता है, मट्टी में रखने से क्या होता है इसकी चार्जिंग खिंच जाती है, कोई भी मैग्नेट हो मट्टी में अगर ज्यादा दिन आप रख देंगे तो आपकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी। टेबल पे या किसी काउंटर वगैरह पे रखना है, देखिए ये एन हो गया और ये पी हो गया, देखिए देखिए जैसा भी मैग्नेट हो सब चार्ज होगा आपका, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आएगी आपको। देखिए अब यहां पर देखिए ये मैग्नेट हमारा पूरी तरह से अच्छे से तैयार हो गया है, यहाँ पर देखिए एक एन और एक पी करके मैंने डाल दिया है। अब इसकी लास्ट फाइनल टच अप देखते हैं किस में चार्जिंग आया कि नहीं और ये हमारा चलेगा कि नहीं, देखते हैं। ये चुम्बक लगा के दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये देखिए फाइनली वही है जो मैंने अभी, मैंने ध्यान होगा कि वहां पे मैंने एक पे हमारा नीचे एन करके निशान लगा होगा, वीडियो बैक करके जरूर देख लीजिएगा। देखिए ये देखिए ये देखिए आप लोग आवाज सुनिए, देखिए देखिए ये देखिए, और ये अब ये चार्ज हो गया है, किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है, फर्स्ट क्लास चलेगा। आपके पास 10 हो 20 हो 50 हो
सबका मेरे को ये स्ट्रिप निकाल के भेज दीजिए, ऊपर का मैग्नेट। रूटर भेजेंगे तो कोरियर चार्ज ज़्यादा लगेगा, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं चार्ज का आप पैक करके भेजिए, मैं पैक करके यहाँ से वापस भेज दूंगा, ठीक है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं और एक एक मैग्नेट आपका 100% चार्ज होगा। अब इसके आगे बात करते हैं, क्या ये सिंगल वाला ही मैग्नेट चार्ज होगा कि डबल वाला होगा कि नहीं होगा? तो डबल वाला दिखाइए जरा उठा के वहाँ से मैग्नेट। तो मैं डबल वाला भी दिखाता हूँ, वो मशीन मेरे पास जो है वो डबल वाला भी चार्ज होगा। देखिए जो ये वाला है इसको दूर करते हैं, जैसे ये देखिए डबल वाला है, तो ये डबल वाला भी आप निकाल के भेजिए, मैं खुद ही एन और पी निशान लगा के भेजूंगा, ये भी मेरे पास चार्ज होगा। टोटली मैग्नेट जितने भी है सब चार्ज हो रहा है। तो और इसको मैं फिट करके और मोटर के अंदर मैं 40 एम्पियर का लोड डाल के दिखा रहा हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो पे, मैं इसको फिट करके चला के दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं मैग्नेट को यहाँ पे फिट कर चुका हूँ और मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या यह मैग्नेट वही है या ऐसा तो नहीं मैं चेंज कर दिया हूँ। तो देखिए अभी भी मैं मैग्नेट वही लगा रहा हूँ और देखिए इसका मैग्नेट की पावर देखिए, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए पूरा स्टेटर को उठा रहा है, देखिए ये देखिए, ठीक है। अब इसके आगे वीडियो मैं कट नहीं करूंगा, लाइव रखूंगा। इसको फिट करने का तरीका समझिए और इसको चला के मैं लोड डाल के दिखाऊंगा कि यह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसका प्रॉपर फिट करने का तरीका समझिए। मोटर में अगर ऑयल गया है तो इसमें आप लोग पेट्रोल से वॉश कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जो मोटर की जो ये वायरें हैं, एक तो सेंसर की होती है, ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। देखिए जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ ये कैसे फिट करना है कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब मतलब ये जो काम मैं प्रॉपर किया हूँ तो इसलिए मैं प्रॉपर नॉलेज आप लोगों को हर एक चीज का देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो दो पेज ये दे रखे हैं सामने वाले, जो दो ये कोने निकले लिखे हुए हैं और यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं इसका पार्ट नंबर दिखा देता हूँ एक बार, देखिए 20 12 47 44, देखिए 47 44, कहीं पता आप लोग बाद में आप लोग सोचे कि सर बदल दिए हैं। तो देखिए इसको आप लोगों को इस तरीके से पकड़ना है, ऐसे करके, ऐसे देखिए ऐसे करके, और जिस साइड दो तार लगे हैं उसकी दूसरी तरफ इसको डालना है कि ऐसे करके, देखिए कैसे ऐसे करके, और इसका आवाज सुनिएगा कि कितना तेज ये खींच रहा है या नहीं खींच रहा है। देखिए 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 कितनी ताकत से इसने खींचा। अब इसको मैं टाइट करके पूरा टाइट करता हूँ लाइव, और फिर इसको चला के दिखाऊंगा आप लोगों को लाइव। देखिए मैंने इसको ठोक लिया, मैग्नेट हमारा देखिए बिल्कुल फिक्स हो गया। इसको टाइट करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, देखिए, और इसको चला के दिखाता हूँ। बस मैं दो पेज फंसा के उसके बाद आप लोगों को मैंने, आप लोगों ने नोट कर लिया है 47 44, ध्यान रखिएगा। मैं वही प्लेट दिखाऊंगा आप लोगों को 47 44, इसको अच्छे से साफ कर लीजिएगा अंदर से, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए ये एक कट यहां पे पड़ा हुआ है, जो ये वाला कट है जो रिक्शे का मोटा वाला तार होता है यहां पे डालना है। अगर ध्यान दीजिए, अगर ये तार लूज हो रहा है यहां पर, जैसे पानी पुनी जाने का डर रहता है, तो हल्का सा टेप घुमा देंगे, टेप लाओ, उससे क्या होगा ये हर टाइट हो जाएगा दोनों में ही। देखिए ये लूज जा रहा है यहाँ पर, देखिए ये लूज जा रहा है, ढीला है तो पानी जा सकता है बरसात के टाइम में, तो हल्का सा टेप घुमा देंगे, देखिए, ठीक है। इससे अच्छा डिटेल में अगर आप लोगों को कोई और वीडियो बना के देता है यूट्यूब पर तो मुझे जरूर कॉमेंट कीजिए, सर हाँ इससे भी अच्छा आप लोगों को वीडियो देता है कोई आदमी बनाकर। अगर ई रिक्शे का कोर्स करना है तो मेरे पास आके कोर्स करके जाइए, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों चल रहा है। सर्टिफिकेट ISO सर्टिफाइड मैं दे ही रहा हूँ आप लोगों को, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आइए, कोर्स कीजिए और अपने लाइफ को सेट कीजिए। देखिए ये हमने यहाँ पे घुमा दिया, घुमाने से क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा कवर टाइप का बन जाएगा और पानी जाने से हमारे बरसातों के टाइम में मोटर खराब नहीं होगी, वैसे भी अब बरसात का सीजन आने वाला है। देखिए ये थोड़ा टाइट बैठेगा, जब आप लोग इसको घुमाएंगे तो टाइट बैठेगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ये भी बैठ गया, खाँच में खाँच बैठ जाएगा बहुत आसानी से, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था बड़े वाले पर ये वाला कट रख के टाइट कर देना, देखिए ऐसे करके सीधा टाइट कर देते हैं,
और इसको ठोक लेते हैं ऊपर से, देखिए ऐसे करके ठोक के टाइट कर देंगे, देखिए और ये हमने यहाँ पर सिर्फ दो पेच लगा लेते हैं और इसको टाइट करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो मैं टाइट करके और कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नंबर आप लोग नोट रखिएगा 47-44, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका कनेक्शन पूरा कर दिया है और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो नंबर लिखा है 47-44 लिखा है वही मोटर है। देख लीजिए आप लोग, कहीं आप लोग कहें सर ऐसा तो नहीं चेंज कर दिया है, ऐसा नहीं है। और मैंने दो ही पेच लगाए हैं पीछे और इसको चला के दिखाता हूँ। तो देखिए चलाइए जी, देखिए ये बिल्कुल ओके चल रहा है और एम्पियर देख लीजिए इसका बिल्कुल 4 से 5 एम्पियर ले रहा है। और इसको मैं लोड डाल के देखता हूँ कि यार ये लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो मैं ये भी चेक कराता हूँ आप लोगों को। बंद करियो, देखिए मैं इसके ऊपर पूरा इस सापड़ के ऊपर खड़ा हो जाऊँगा। देखिए इसको पिलास से ऐसे पकड़ के पूरा पैर से दबाऊँगा इसको अच्छी तरीके से, और रखो पैर वहाँ पर। तो देखिए दूसरा पैर रखवा दिया मैंने और इसको देखिए मैं इसको दबा के और फिर इसको चला के दिखा रहा हूँ। देखिए चलाइए, देखिए एम्पियर, देखिए देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए देखिए, देख रहे हैं, देखिए मैंने एम्पियर, देखिए 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 यहाँ से देखिए पूरा धुआं निकलने लग गया, देखिए निकल रहा है। और ऐसा नहीं है, देखिए लोड कितना डाल रखा है मैंने, देखिए 30 एम्पियर। बंद कर दो अब यहाँ से, देखिए अभी भी यहाँ पे देखिए धुआं निकल रहा है, देखिए ये देखिए, इसको मैं हटा के दिखाता हूँ, देखिए ये लाल पड़ गया हुआ, देखिए। तो इससे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि 100% तो नहीं कहूँगा, 110% कहूँगा, 110% कहूँगा या 101% कहूँगा मोटर मेरा चार्ज किया हुआ बिल्कुल सक्सेस है। आप लोगों को अगर चार्ज कराना है तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है कॉल कीजिए। कोर्स करना है तो संदीप ई रिक्शा के पास आके ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। इसकी एक और वीडियो मिलेगी चार्जिंग की, वो भी आप लोग पूरा देखिएगा। पहली बात तो एक ही वीडियो में काम तमाम हो जाएगा, एक और मिलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।